कानपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कानपुर पुलिस की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है छेड़छाड़ से पीड़ित एक युवती जब शहदों के खिलाफ थाने में शिकायत करने गई तो हेड कांस्टेबल ने रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय युवती के कपड़ों पर ही सवाल उठा दिया। क्या मैं पढ़ती हूँ? पढ़ती नहीं हूँ। ये चूड़ा है, ये लॉकेट है, दो ये अंगूठी, तुम छह क्यों पहन दे? मैं कुछ पूछा, कुछ लाभ है इनसे तुम्हें? फिर क्यों पहन रही हो जी? इसी से दिखाई दे जाता है कि तुम क्या हो। और बिना उसकी शिकायत दर्ज किए हुए उसे थाने से ही वापस लौटा दिया। दरअसल युवती सरोजनी नगर इलाके में रहती है। वो पानी लेने गई थी, तभी इलाके में मौजूद कुछ मंचलों ने उसके साथ छेड़खानी की। जब युवती का भाई उसे बचाने आया तो मंचलों के परिवार वालों ने उसको भी पीट दिया। इसके बाद पीड़िता थाने पहुंची, लेकिन हेड कांस्टेबल ने उसके पहनावे को ही छेड़खानी की वजह बता दिया और शिकायत दर्ज किए बिना ही उसे थाने से जाने के लिए बोल दिया। पूरी बात ये कि पानी बनने जा रहे थे तो हमारे दीवारी ने मेरे साथ छेड़छाड़ी करी थी, फिर उसके बाद मेरा भाई आ गया, उसके बाद फिर लड़ाई होने लगी, फिर उसके बाद उनके घर वाले आ गए, उन्होंने भी मारा, और क्या कहते हैं जो आसी कर ली है उसे ने, और बिक्की लंगड़ा उन्होंने भी मारा, और क्या कहते फिर अमर तिवारी यहाँ आए, तुरंत ही वो पटिया लिए थे सर पे, दो तीन मार दिन, फिर उसके बाद हम लोग छुड़ा रहे थे तो हम लोग को धक्का धुक्की दे रहे थे और अद्धा गुम्मा चलाने लगे थे, फिर उसके बाद फिर शांत हो गए थे। थाने में ये हुआ कि वो हम लोग गए इसे अंदर, वैसे वो चिल्लाने लगे मेरे पास कि ये माला और कड़े वड़े क्यों पहनी हो, तो फिर वो जो हम लोगों ने दिया था वो फेंक दिए थे, फिर कह रहे थे कि आज के बाद ये सब पहनना नहीं। नहीं तो क्यों कहा कि ये सब पहनना नहीं, माले कड़े पहनने से क्या क्या उन्होंने पूरी टिप्पणी किया था? फिर उन्होंने कहा था कि ये सब पहनी हो तो लड़के छेड़ेंगे। थाने में ये हुआ था कि मेरी बहन, मेरी मम्मी, ये लोग थाने गए वहाँ पे रिपोर्ट लिखाने, तो इन लोगों ने वहाँ पे इन लोगों को भगा दिया गया वहाँ पे। वही मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने हेड कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया है। डिप्टी एसपी का कहना है कि शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। थाना नजीराबाद के संबंध में एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक महिला अपनी समस्या बता रही है। इसी के क्रम में संबंधित हेड कांस्टेबल जो थाना नजीराबाद पर तैनात हैं उनको तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है और आगे की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। भले ही पुलिस ने हेड कांस्टेबल पर कार्रवाई कर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भरोसा दिलाया है, लेकिन जिस तरह से यूपी पुलिस के सिपाही ने पीड़िता के साथ ऐसा बर्ताव किया है उससे यूपी पुलिस पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। कानपुर से न्यूज के लिए चंद्रकांत की रिपोर्ट।